वहीं अपने ट्वीट पर विवाद बढ़ता देख प्रभात झा आज फिर उन्होंने ट्वीट करके सफाई दी है और सीधे मीडिया पर ही सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि कल ट्वीट के जरिए हमने वही बातें लिखी हैं जो अपने वरिष्ठों से अनेक बौद्धिक में सुनता रहा हूं। इसमें कोई नई बात नहीं है, सामान्य तौर पर सनातन बातें जो सदैव मेरी विचारधारा के पुरखों द्वारा कही जाती रही हैं, मैंने सिर्फ उनका स्मरण किया है। दुर्भाग्य है कि मीडिया अपनी पीली निगाहों से इन सभी चीज़ों को देखती है। निर्विकार भाव से किए गई बातों की साक्षी ईश्वर होता है। सकारात्मक सोच से ही सकारात्मक कर्म होता है। मेरी लेखनी में अगर कोई निशाने पर होता है तो सदैव कांग्रेस, क्योंकि मैं कांग्रेस की विचारधारा का विरोधी हूँ। मेरी विचारधारा की भावना की पवित्रता पर कोई असर नहीं। मैं सदैव कार्य में विश्वास करता हूँ। आगे भी कार्य ही पूजा है के भाव से कार्य कर रहा हूँ।